अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। KCSJOBS में खुश आमदीद। आज हम बात करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर के हवाले से, जिनका लेटेस्ट ऐड आया हुआ है उस पर हम बात करते हैं कि उसमें कौन कौन सी जॉब्स और अप्लाई करने का क्या तरीक़ाकार है। तो आइए चलते हैं हम अपने ऐड की जानब। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर, पंजाब इरीगेशन डिपार्टमेंट्स में जॉब्स हैं। अपर चनाब कैनाल सर्कल लाहौर 30 पोस्ट हैं इसकी। दीपालपुर कैनाल सर्कल लाहौर, इसकी भी 30 पोस्ट हैं। लोअर चनाब कैनाल सर्कल शेखपुरा ईस्ट, इसकी 37 सीटें हैं। और लोअर चनाब कैनाल सर्कल ईस्ट फैसलाबाद, इसकी 26 सीटें हैं। लोअर चनाब कैनाल वेस्ट फैसलाबाद, इसकी 61 सीटें हैं। इसी तरह सरगोधा सर्कल की 73 सीटें हैं और मंडी बहाउद्दीन सर्कल के 24 सीटें हैं। और इसी तरह अगर हम बात करते हैं मियाँ वाली थर्ड डिवीज़न की, तो इसकी 48 सीटें हैं। और बखर सर्कल की जो हैं वो 39 सीटें हैं। मुल्तान सर्कल की 43, हवेली कैनाल सर्कल मुल्तान इसकी 43 सीटें हैं। और मेलसिस कैनाल सर्कल मुल्तान इसकी 40 सीटें हैं। त्रिमू कैनाल इसकी 32 सीटें हैं। और सर्कल बहावलपुर की 46 सीटें हैं। अहमदपुर के बीच 43 सीटें हैं। और बहावल नगर की अगर हम बात करते हैं तो इसकी 42 सीटें हैं। रहीम यार खान सर्कल के 64 सीटें हैं। डीजी खान सर्कल की 53 सीटें हैं। कोटद्दू की 10 सीटें हैं। और कैनाल सर्कल साहिबाल इसकी 96 सीटें हैं। अच्छा, नीली बार की 50 सीटें हैं और साहिबाल की 29 सीटें हैं। और 15 सीटें जो हैं वो कोट खुशाब की हैं। अब इसमें देखते हैं कि अप्लाई करने का क्या तरीक़ाकार है और क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। एज की अगर हम बात करते हैं तो एज लिमिट मेल के लिए 33 ईयर है और फीमेल के लिए 36 साल है। और स्पेशल पर्सन के लिए जो है वो 43 साल है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें इंटरमीडिएट मांगी है, इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्राम इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बोर्ड। और जिनके अगर MSc कंप्यूटर साइंस है या BS कंप्यूटर साइंस है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके टेस्ट की अगर हम बात करें तो 1 पेपर ऑफ MCQs जनरल एबिलिटी रिटर्न टेस्ट, 100 MCQs 90 मिनट ड्यूरेशन। अच्छा जी, इसके साथ टाइपिंग टेस्ट जो है वो है 40। टाइपिंग टेस्ट की अगर हम बात करें तो टाइपिंग स्पीड 40 प्लस होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए कम अज़ कम। और कैंडिडेट हु क्वालिफाई एंड रिटर्न टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर एंड प्रोफेशनली इन MS ऑफिस। तो MS ऑफिस में इसका मतलब इसका भी टेस्ट होगा और उसका टाइपिंग टेस्ट भी होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो हमारे पास एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट में 26 पोस्टें हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर DEO DEE DOE DDOE। अच्छा, इसके लिए क्वालिफिकेशन MSc है, MSc एनवायरनमेंटल साइंस या BSc सेकंड डिवीजन एनवायरनमेंटल साइंस। 3 पोस्ट हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की रिसर्च असिस्टेंट के रेगुलर बेसिस पे हैं। जूनियर क्लर्क की 25 पोस्टें हैं। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, FFSC होनी चाहिए प्लस 25 वर्ड्स पर मिनट, टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, MSFS आना चाहिए। और 12 पोस्ट हैं जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के, इसके लिए भी MSFS और इंटरमीडिएट मांगा है। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि 4 पोस्ट हैं स्टेनोग्राफर की और 1 पोस्ट है सेक्रेटरी ऑफिसर की, 1 पोस्ट है लाइब्रेरियन की और 154 पोस्ट जो हैं स्टेनोग्राफर की हैं सर्विस जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के। और इन सब की अगर हम लास्ट डेट की बात करें तो 31 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। 600 रुपया चलान है, इसको हम जायज़ कैश, ईजी पैसा, यू पैसा हम भर सकते हैं। वेबसाइट हमारे पास दी गई है PPSCGOP.PK। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। कोई चीज़ समझ ना आए तो कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगा, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई की सहूलत दस्तियाब है। ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।